है गायज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो आज का जो वीडियो है दट इज अबाउट द बाइज लर्निंग सेंटर लास्ट एंड फाइनल राउंड दैट इज़ अ इंटरव्यू और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे गए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सो so, बाकी का जो भी इसका प्रोसेस था वो मैंने आपको लास्ट दो तो वीडियोज़ में बताया सो आई होप आप वो वीडियोज़ देख लो और आपको ये वीडियो जो है वो हेल्प करे अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करोगे तो सो so, चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस जो थे वो मेरे से पूछे गए थे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड चलो शुरू करते हैं सो इंटरव्यू क्वेश्चन में से जो पूछे गए थे वो बेसिकली बायो में से पूछे गए थे क्योंकि मैंने जो था वो बायो के लिए ही अप्लाई करा था सो so, सबसे पहले उन्होंने मेरे से क्या बोला कि टेन uh, मिनट्स का जो था उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना डेमो दीजिए तो डेमो जो था वो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक पर दिया था सो so, मैंने उसमें डायजेस्टिव सिस्टम के बारे में जैसे भी था वो एक्सप्लेन कर दिया सारा सो so, मैंने वर्बल वर्बल प्रेजेंटेशन ही थी वर्बल डेमो ही था आई हैव नॉट यूज काइंड ऑफ टीचिंग गेड्स और एनी थिंग एल्स So... एंड uh, उससे सबसे पहले क्वेश्चन तो यही था कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो सो तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से दीजिएगा उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप वट डू अंडरस्टैंड बाय द जॉब रोल ऑफ पाएज लर्निंग एंड टिफिकलिटी सो उसमें आपको जॉब रोल बताना था जॉब रोल भी मैंने पिछली वीडियो में बताया सो आप वहाँ से देख के हेल्प आपको हो जाएगी सो so, जॉब रोल बताइएगा उसके बाद टेन मिनट्स के लिए आपको अपना डैमो देना पड़ेगा वो आप डैमो दीजिएगा एंड उसके बाद जो क्वेश्चन थे उन्होंने मैंने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में uh, बताया था सारा सो so, उन्होंने मेरे को उसी टॉपिक में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो पूछे थे सो मैंने क्वेश्चन जो है वो लिख रखे हैं मैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ सो so, जैसे आ, मेरे को उन्होंने पूछा कि जो पिवर्टल जॉइंट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है और नेक्स्ट क्वेश्चन था जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक था तो उन्होंने मेरे को लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूछा कि आप इसके पार्ट्स बताइए और मेनली उन्होंने मुझे पूछा कि जो लार्ज uh, इंटेस्टाइन में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है दैट इज़ द वस्टीजियल ऑर्गन वो कहाँ सिचुएटेड है दैट इज़ सिचुएटेड इन द सिक्कम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन सो नेक्स्ट उन्होंने पूछा वट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्नरी आर्ट्री और इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आपको मतलब एक ब्रीफ बताना था उसका एक uh, छोटा करके क्रिस्प आप जो है जैसे भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको एक छोटे से uh, उसमें बताना था नेक्स्ट उन्होंने मुझे पूछा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस व्हाट इज डायलिसिस एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड व्हाट अबाउट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस प्रोसेस सो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ बैल्स इन द हार्ट सो ऑल इन ऑल मेरा जैसे uh, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो टॉपिक आप लो आप उस टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ के जाइए क्योंकि वो उसी टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें उन्होंने आपको कोई भी जो uh, वो uh, टॉपिक्स हैं वो नहीं दे रखे हैं कि वो कि किस एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर साइंस सो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायलॉजी तीनों एस्पेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो so, मैंने सिर्फ बायो के लिए अप्लाई किया सर तो, तो इसलिए उन्होंने मेरे को सिर्फ बायो से ही क्वेश्चन पूछे आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट इन योर अपकमिंग बाय जोज इंटरव्यूज सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए जिस जिसने भी ये इंटरव्यू uh, दिया है उनको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए एंड कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं कौन कौन नहीं हुए हैं सेलेक्ट सो सबको आइडिया हो जाएगा कि क्या है और और मेरा जो सेलेक्शन uh, और रिजेक्शन का जो रिज़ल्ट होगा वो मैं आपको जैसे ही मेरे को मेल आएगा मैं आपको बता दूंगी ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू बाय